register. Then sales क्या आपको register? Series में लगे हुए थे पहले. ऐसे हम क्या करेंगे आप grouping करेंगे similar in series and manner. तो grouping दो तरीके की होती है. पहले तो series. Series में connection होगा. तो series में connection क्या होता है? जब A का end दूसरे के starting से मिले. ठीक है यहाँ पर के कहीं और काम का रास्ता नहीं है. Direct उससे आप जब उसके अगले स्टार्ट पहले का दूसरा ट्रेड दूसरे के पहले ट्रेड से और इसका अगर मैं एक और बनाता हूँ कुछ करके तो ऐसे रेजिमेंट फॉर्म क्या बोलते हैं सीरीज. ठीक है तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ट्रेड हो जाएगी. ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. ये नेगेटिव हो जाएगी ये पॉजिटिव. तो हम देख सकते हैं जब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो ठीक है तो हम ये कनेक्शन क्या कर रहे थे सीरीज कनेक्शन. अब सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं कि सपोज करो करंट तो सेम रहेगा. अगर मैं हाई करंट फ्लो कर रहा हूँ तो क्या होगा तीनों के पास हाई जाएगा बट वोल्टेज क्या रहता है डिफरेंट. अगर एक कंप्लीट वी है उसको वी वन मान लेते हैं उसको वी टू मान लेते हैं. यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो वी टू हुआ है. यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो वी थ्री हुआ है. ठीक है इस तरीके से हम देख सकते हैं वी नेट जो होगा वो क्या होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा. ठीक है अब वी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वी इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी पढ़ा है. ठीक है तो वी क्या लिख सकते हैं क्यू बाय सी. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू बाय सी नेट इक्वल टू क्यू बाय सी वन क्यू बाय सी टू. आपने क्या लिखा क्यू बाय सी थ्री. ठीक है अब Q सबका सेम है. ठीक है तो B को क्या कर सकते हैं कैंसिल. तो C नेट क्या हो जाएगा नेट लिखने के बजाय मैं यहाँ सी डी सी लिखा ताकि यहाँ हो जाए तो क्या जाएगा सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी. तो नेट अगर कैपेसिटेंस निकालना हो सीरीज में तो क्या करते थे रेजिस्टेंस में हम क्या करते थे डायरेक्ट एंड करते थे बट कैपेसिटेंस उल्टा है उसको रेसिप को कम करना एंड पैरेलल के तौर पर डायरेक्ट एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द reciprocal of equivalent capacitance. The reciprocal of equivalent capacitance of any number of capacitors of any number of capacitors joined in series is equal to the sum of the reciprocal of individual capacitance. This point पे लिख सकते हैं C net is always less than the least of C1, C2, C3 dot C. यानी कि सीरीज में जो हमारा नेट आएगा वो हमेशा क्या होगा कम होगा. सबसे कम हो रहेगा कैपेसिटर उससे भी कम. यानी कि कभी हमें ग्रुपिंग करके वैल्यू घटानी हो तो हम कौन सा ग्रुपिंग करेंगे सीरीज में. तो पैरेलल में क्या होता है अगर ये पॉजिटिव है तो तीनों प्लेट एक ही बार पॉजिटिव आएगा. ठीक है एंड तीनों नेगेटिव क्या होंगे एक ही से करेगा. एक का एंड दूसरे के एंड से डायरेक्ट नहीं जोड़ेगा. कैसे कनेक्शन फॉर्म क्या बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में बट क्या होता है पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहता है. पोटेंशियल क्या रहेगा तीनों में सेम है बट करंट का क्या होगा डिविजन होगा. यहाँ अगर करंट आई है तो क्या हो जाएगा आई वन. करंट लिखने के बजाय हम क्यू लिख देते हैं. यहाँ क्यू है यहाँ क्यू वन चला जाएगा क्यू वन इसे लिख क्यू वन यहाँ चला जाएगा क्यू टू इधर चला जाएगा क्यू थ्री ये बढ़ जाएगा. यहाँ हम लिख सकते हैं क्यू नेट जो होगा वो क्या होगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री. नेट चार्ज क्या होगा कंजर्वेशन चार्ज का क्या है इस जंक्शन में जितना चार्ज है वो अपने चार्ज है. ठीक है तो अब Q का फॉर्मूला लगा सकते हैं. Q का फॉर्मूला क्या होता है सी वी यहाँ पर सी नेट बी इक्वल टू सी वन बी वन प्लस में सी टू बी टू प्लस में सी थ्री बी थ्री देख सकते हैं. अच्छा सबका पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल सेम बी यूज करना.
आप वी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर वी कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे सी नेट क्या आएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया। पैरेलल कन्वेंशन में हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सारे जितने भी कैपेसिटेंस हो जाएगा उनका सम कर देंगे। अगर नेट निकालना है पैरेलल में तो उसका डायरेक्टली क्या कर देंगे सम कर। इसमें हम देख सकते हैं कि वैल्यू हमेशा क्या होगी ज्यादा आएगी इनसे, किसी भी एक कैपेसिटेंस की बात करें तो इससे वैल्यू हमेशा हम नोट में लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर जॉइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ और इंडिविजुअल कैपेसिटी। फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर लिख सकते हैं सी नेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी। क्वेश्चन इवन है कि हमें हर एक कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज है वो निकालना है, क्योंकि इसको मैं ए मान लेता हूँ, उसको बी मान लेता हूँ, सी, तो हर एक पे ईच का चार्ज कितना चार्ज क्या है। तो अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो हमें एक फॉर्मूला तरह से पता है Q = CV। अब हमें नेट भी पता है लेकिन इंडिविजुअल का भी पता है तो हम डायरेक्टली वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो हम क्या करें इसका नेट कैपेसिटेंस निकालें। तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों अगर पैरेलल में रहते हैं तो पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट ऐड होता है, डायरेक्ट अगर इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया एक लिख दिया एक माइक्रोफाइल। इसको समझिए अच्छे से, ये दोनों डायरेक्ट ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और ये तीन दोनों को हटा के मैंने क्या कर दिया एक कैपेसिटेंस। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में जैसे प्रोपल में होंगे और जब भी सेम रहती है वैल्यू तो क्या रहती है हाफ हाफ, तो हाफ कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड क्यू का मतलब सी नेट। और हम क्या कहना चाहते हैं क्यू नेट निकालना चाहते हैं, तो क्यू नेट क्या हो जाएगा सी नेट को क्या करते हैं सारा अगर हम नेट लेते तो हमें पता चल गया सी नेट की जगह 4 × 10⁻⁶ है वोल्टेज कैलर का मतलब है उसका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है 48 × 10⁻⁶। अब इतना टोटल चार्ज है, अब हम ये देख सकते हैं कि टोटल चार्ज इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये दोनों सीरीज में है और इक्वल है तो इक्वल ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये 48 है तो 24 माइक्रोफेरेड यहाँ आएगा माइक्रोकूलम और ये 24 माइक्रोकूलम यहाँ आएगा, ठीक है। बट अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या होता है चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है सॉरी सीरीज में तो चार्ज नेट सेम आएगा ना, अगर नेट सेम आएगा तो इसको क्या लिखेंगे 448 माइक्रोफैरेड जितना उसके पास होगा उतना ही इसके पास कोई चीज नहीं। बट यहाँ जब हम देखेंगे तो इन दोनों के पास कितना है 48 और क्योंकि पैरेलल कनेक्शन तो इन दोनों में इक्वल बटेगा, ये कितना जाएगा 24 माइक्रोफैरेड ये भी 24 माइक्रोफैरेड। तो हम बोलेंगे चार्ज ए में कितना है 48 माइक्रोफैरेड, बी और सी में कितना है 24 माइक्रोफैरेड। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं, पहले हम क्या करते हैं क्यू नेट निकाल लेते हैं फिर इंडिविजुअल निकाल लेते हैं।